हाँ तो अगला नंबर है का नाम है राम खिलावन। किसका नाम है राम खिलावन? अरे हमारा नाम है हमारा। किसने कहा तुमसे बुलाने के लिए? अरे लिखा था रजिस्टर में अगला नंबर जिसका था तो उसी को बुला लिया। नहीं तो नाम तुम्हारे पप्पा लिख देंगे तो उनको भी बुला लोगे। बड़े आए बुला लिया। अरे तो उसमें इतना गुस्साने वाली बात क्या है? अब पप्पा को बुलाना, जाओ ऊपर गए भगवान के पास, तुम भी जाओ। अरे भाई साहब, शिक्षक की भर्ती यहाँ चल रही है? नहीं नहीं, धान काटने वाले की भर्ती चल रही, बाहर बोर्ड पढ़ा नहीं क्या? नहीं, लेकिन बाहर तो बोर्ड लगा है, पंपर भर्ती मेहनती शिक्षकों की, सैलरी 15,000 से 25,000। लेकिन सकल सत काम चोर देख रहे हो, मेहनती शिक्षक की आवश्यकता है काम चोर की नहीं। टोपी वाले भाई साहब क्या कर रहे हो? जरा जोर से बोलिए, हम थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। अरे हम कह रहे हैं सकल से तुम काम चोर दिखते हो, नंबर एक के काम चोर। हाँ हाँ, ऊंचो मई काम चोर नंबर एक के हैं। वैसे भाई साहब तुम भी सकल से पूरे चपरासी दिखते हो। हाँ हाँ, वो दिखता नहीं चपरासी है वो चपरासी। नौकरी चाहिए भाषण ना पेलो, आग बैठो चुपचाप। अच्छा तो आप हैं कौन भाई साहब? आप इंटरव्यू ले रहे हैं क्या? नहीं नहीं, हम इंटरव्यू कहाँ ले रहे हैं, हम तो छोले भटूरे बेच रहे हैं यहाँ पे बैठ के। अरे यार आओ बैठो अगर तुमको इंटरव्यू देना है तो, नहीं तो यहाँ के प्रिंसिपल ऐसे ही टाइम पास रोज करते रहते हैं। प्रिंसिपल नहीं, संजू द प्रिंसिपल लगाओ। हमने कल संजू पिक्चर देखी और कल से हमने अपना नाम बदल लिया, संजू द प्रिंसिपल। अरे प्रिंसिपल साहब, अगर आप इस हिसाब से नाम चेंज करते हैं तो किसी जमाने में आपका नाम रहा होगा मटरू की बिजली का मंडोला द प्रिंसिपल, गरम मसाला द प्रिंसिपल, और फिर जब दिलवाले पिक्चर आई होगी तो इनका नाम रहा होगा दिलवाले द प्रिंसिपल, बढ़ती का नाम दाढ़ी द प्रिंसिपल। अरे भाई साहब अभी तो एक नाम बताया ही नहीं, टॉयलेट एक प्रिंसिपल। रुको रुको, बताते हैं हम भी अभी नाम बताते हैं। रुको। हाँ तो बच्चा खिलावन, आओ निकल के आओ इंटरव्यू के लिए, आओ जल्दी। अरे हमारा नाम तो राम खिलावन है यार। अरे यार कुछ भी नाम हो, खिलावन लुटावन छुटावन, आओ इंटरव्यू देने आओ, यहाँ पे नाम बदलने नहीं आओ, आओ बाहर निकलो जल्दी। आ रहे चिल्लाओ नहीं। हाँ तो बताओ। क्या बताएं? अरे इंट्रोडक्शन बताओ अपना इंट्रोडक्शन। हाँ बताएं इंट्रोडक्शन, यार सब ऐसे है, दादा हमारे गुजर गए कब के, दादी हमारी हो गई विधवा, वो बैठे रहते हैं सब घर में, बेरोजगारी बड़ी है, शादी वादी हो पाई नहीं, और दादा खुआ कुछ यूँ था कि एक दिन बैठे बीड़ी पी रहे थे और गांव के कुछ हरामी लौंडों ने उनकी बीड़ी में चुटपुटिया मिला दिया था, जैसे माचिस लगाई चुटपुटिया तक गई, मुँह उनका गया फट और उनका हो गया राम नाम सत्य। इसीलिए बोलते है कि दारू बीड़ी गांजा सिगरेट नहीं पीना चाहिए, लेकिन अब कोई मानता नहीं तो कोई क्या करे। अरे यार पता नहीं कहाँ कहाँ से एक से बढ़ के एक गंवार आ जाते हैं, समझ नहीं आता कि हम कहाँ जाके जहर खा लें। अरे हम तो कह रहे हैं प्रिंसिपल साहब शुभ काम यही कर डालो, अब कहो तो हम जहर ला के दे दें। महोदय हमारा टाइम न बर्बाद करें, कृपया आप हमें बताइए कि आप किस विषय को पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, या फिर चुपचाप यहाँ से 1, 2, 3 हो जाए। देखो पढ़ाने तो हम सब पढ़ा लेंगे, लेकिन हमें हिंदी बहुत अच्छे से आती है, हिंदी पढ़ाने का हमें कहे तो हम हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। तो बताइए प्रभु क्या आती है आपको हिंदी में, बताइए कोई 1-2 रचना सुनाइए आप हमको। देखिए वैसे हम एक कवि आदमी हैं, हमको कविता करना भी बहुत अच्छे से आता है, जैसे जब हमारे दादाजी बीड़ी का फूंक मारते हुए मर गए थे बीड़ी तकने से, तो उस टाइम पे हमने एक कविता बनाया था, हमारे दादाजी का नाम है शरीरा, तो उस पे हमने एक कविता बनाया जो कि कुछ इस प्रकार है। शरीरा खड़ा बाजार में मारा ऐसी फूंक। वाह 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 वाह, मजेदार कवि जी मजेदार, वाह वाह मजा आ गया। जरा हमें भी बताइए चपरासी महोदय की कौन सा मजा मिला, थोड़ा हम भी मजा ले ले इसमें। अरे हमने देखा यार टीवी में तो वैसे कभी बोलते हैं सब जनता इसे करती है, तो हमने भी कर दिया, मजा हमें कोनो नहीं मिला। हाँ तो चपरासी महोदय शांति व्यवस्था बनाए रखें, नहीं तो उठा के फेंकेंगे ना, तो जिस बाजार में इनके दादाजी फूंक मारते हुए गए थे उसी बाजार में जाके गिरोगे सीधे। अरे तो पूरा सुनो, शरीरा खड़ा बाजार में मारा ऐसी फूंक,
पीढ़ी उसकी तक गई, सांस गई रोक। अच्छा एक काम करो, तुम फोटो यहाँ, फोटो फोटो जरूरत नहीं आई सर टीचर की, फोटो तुम यहाँ। अरे यार हम सीरियसली बता रहे हैं, हम बहुत बड़े कवि हैं, विश्वास नहीं पड़ रहा तुमको, हमारी कुछ और भी रचनाएं हैं, हम सुनाते हैं, रुको। चलो सुनाओ, लेकिन अगर अब की बार बकैती की तो सीधा उठा के बाहर फेंकेंगे, सोच लेना। कोई दीवाना कहता है, कोई चौरकट समझता है। वाह वाह भाई साहब वाह वाह, चेहरे से तो पूरा पूरा चौरकट लग रहे हो, सही बात है। हाँ कोई बीच में ना बोलो यार, डिस्टर्ब हो जाता है, बाद में वाह वाह कर लेना। तो हमारा एक दोस्त है, उसका नाम है नरपत, तो उस पे हमने ये लाइन बनाई है। कोई दीवाना कहता है, कोई चौरकट समझता है, चोरों की बेचैनी को सिर्फ नरपत समझता है। मैं हूँ चरकट इस दुनिया का सबसे बड़ा, पढ़ते ही इतने झूठे मेरा सिर समझता है। वाह वाह भाई साहब वाह, मजा आ गया मजा आ गया। अरे तुम्हारे जैसे इतने बड़े कवि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में होना चाहिए तुमको। खड़े हो, खड़े हो जाओ, हम कह रहे हैं खड़े हो जाओ तुरंत, और फूटो, एक दो तीन हो यहाँ से।